15 दिसंबर को शासनादेश जारी, 15 दिसंबर को घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम कर सकते हैं निरीक्षकों से संबंधित एवं अन्य कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का समाधान। साथियों देखिए आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन यहाँ पर छोटा सा निवेदन है, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश। पुनः एक बार स्वागत है आपका अनुदेशक न्यूज में। साथियों मैं आपके साथ बना हूँ यहाँ पर इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जैसा कि आपको पहले बताना चाहूँगा कि 3 अप्रैल 2016 को रविवार दिन था और झूलेलाल मैदान लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था बीजेपी का, जिसमें माननीय राजा सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को नियमित किया जाएगा। सरकार बन गई, आज 4.5 साल बीतने वाले हैं, लेकिन अनुदेशकों के लिए कुछ नहीं किया गया, खासकर बीजेपी के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों। वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। अब अनुदेशकों की मांग है 17,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। साथियों सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण की मांग उठाई जा रही है इन अनुदेशकों के द्वारा, क्योंकि ये प्रशिक्षित और ऑलराउंडर शिक्षक हैं। आप शिक्षा विभाग में हर तरह के जो भी शिक्षक संबंधित कार्य हैं वो करवाए जा रहे हैं उनसे, और लेकिन मानदेय 7,000 ही मिल रहा है, जो कि बहुत ही दयनीय अल्प मानदेय की श्रेणी में आता है, एक मजदूर से भी कम। साथियों यहाँ पर बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, 15 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, वहाँ पर शासनादेश जारी होंगे और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं और जिनकी मांगें लगातार उठती रही हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये एक बड़ी खबर हो सकती है, या देखते हैं कि यहाँ पर क्या घोषणा होगी। मानदेय वृद्धि घोषणा होगी 17,000 की, या नियमित किया जाएगा, ये बड़ी खबर होगी। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, सबसे पहले खबर हम आपको लाएंगे अपने अनुदेशक न्यूज़ चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।